हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने सिनेमैटिक शॉट में बी रोल में देख लिया कि आज मैं किस प्रोडक्ट का आपके लिए अनबॉक्सिंग एंड इनडेप्थ रिव्यू लेकर के आया हूं। तो गाइस, चलो दिखाता हूं कैसे पैकेजिंग में आता है और उसे अनबॉक्स कर लेते हैं, अनपैक कर लेते हैं, कितना प्राइस पड़ा हर चीज आपको बताने वाला हूं और क्या क्या उसके यूजेस है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। इस चैनल पे आपको अमेजिंग वीडियोस मिलते रहती है, तो अगर आप न्यू आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, देख सकते हो इस तरीके की ये पैकेजिंग में आया हुआ है, सिंपल सा है और इसे मैंने खरीदा है शॉपी से। और प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस मुझे देना पड़ गया था, 114 रुपए का पड़ा है और इसे मैंने नॉर्मली शॉपी पे सर्च करके खरीदा था। मैं स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे दिख गया, तो मैंने सोचा कि चलो ले लेता हूं, कुछ अमेजिंग गैजेट लग रहा है मुझे। तो चलो अनबॉक्स कर लेते हैं और दिखाता हूं आपको कि क्या क्या मिलता है इसके साथ में। चलो दिखाता हूँ, फाड़ लेता हूँ इसे, पैकेट को करता हूँ साइड। और डब्बे की बात करूँ तो डब्बा बिल्कुल बेकार सा आया हुआ है पूरा, मतलब डब्बा ना टूटा फूटा सा है, पैकेजिंग सही नहीं है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का है ये प्रोडक्ट और डब्बा का कंडीशन आप देख के समझ सकते हो पैकेजिंग कितनी खराब है। आई होप कि प्रोडक्ट खराब ना आया हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके का है, लिखा हुआ है मॉइस्चराइजिंग योर स्किन। तो ये है एक मिस्ट स्प्रेयर और इसका क्या क्या यूजेज है ना, इस पे आप पानी डाल के या फिर कुछ होता है जैसे कि रोज वाटर होता है, स्किन को हाइड्रेट कर सकते हो, मॉइस्चराइज कर सकते हो। कुछ कुछ इस पे मेंशन है, नीचे लिखा हुआ है मिस्ट स्प्रेयर यूजिंग एटमाइजेशन टेक्नोलॉजी विद सुपर वाटर रिप्लेनिशिंग एबिलिटी इफेक्टिव पेनेट्रेट द डीप स्किन एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर। और इस पे ना अपना सैनिटाइजर डाल के भी आप इसे एज अ सैनिटाइजर स्प्रेयर यूज कर सकते हो। साइड में आपको यूजेज मेथड दिया गया है कि चार्जिंग करना कितना है, आपको दिखना है कि 3 घंटे से ज्यादा चार्ज नहीं करना है, पानी डाल देना है और रोटेट करके आपको इसको बंद करना है और ऑन एंड ऑफ का बटन मिल जाएगा। तो चलो मैं आपको इसको निकाल करके दिखाता हूँ कि क्या क्या आपको इसके साथ मिल जाता है। तो ये रहा हमारा मशीन, देख सकते हो कुछ इस तरीके का है व्हाइट कलर में। एंड ये है मिस्ट स्प्रेयर या फिर आप बोल सकते हो सैनिटाइजर स्प्रेयर, या बहुत ही कूल सा है, स्ट्रांगली बिल्ट लग रहा है बॉडी के हिसाब से। एंड ऊपर वाला पार्ट जो है ना, इस तरीके से आप इसे डिटैच कर सकते हो घुमा करके। एंड इस पे आपको पानी डालना पड़ता है, जो भी आप सैनिटाइजर डालना चाहो इस पे आप डाल सकते हो। उसके बाद इसे उल्टा करके मशीन को यहाँ पे इंसर्ट करके इसको लॉक कर देना पड़ता है। चलो और देख लेते हैं क्या है साथ में। एक आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक माइक्रो यूएसबी केबल, मिनी माइक्रो यूएसबी केबल, बट ये बहुत फालतू क्वालिटी का रहता है, इसमें बहुत लेट स्लो चार्ज होगा। आप नॉर्मली अपने फोन के माइक्रो यूएसबी केबल से यहाँ पे चार्ज कर सकते हो, पीछे आपको पोर्ट दिया गया है। तो ये रहा गाइस, ये रहा मेन प्रोडक्ट जो हमें पड़ा है 114 रुपए का, शॉपी से लिया है मिस्ट स्प्रेयर, और आप बोल सकते हो सैनिटाइजर स्प्रेयर भी इसे बोल सकते हो। तो चलो इसको यूज कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको ना फ्रंट में आप देख सकते हो क्लोजली अभी स्क्रीन पे आपको एक माउथ पीस मिल जाएगा, यहीं से स्प्रे निकलता है। और नीचे आपको एक बटन मिल जाएगा ऑन ऑफ का, इसे आप प्रेस करोगे ऑन हो जाएगा, प्रेस करोगे ये बंद हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप इसको ओपन करना चाहोगे इसके हेड को, तो आपको बस ट्विस्ट करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा एंड ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इतना इसका कुछ क्वांटिटी है। एंड इसके अंदर आप देखोगे ना क्लोजली तो इस तरीके का कुछ है, बैटरी कंपार्टमेंट नीचे होगा सब इसके अंदर। एंड उसके बाद आपको इसमें पानी भर के इस तरीके से इसको बंद कर देना पड़ता है। ये आप अपने मोबाइल फोन के चार्जर से भी चार्ज करके यूज कर सकते हो या फिर आप इसे पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हो। तो देख सकते हो गाइस, मेरे पास मेरा MI का पावर बैंक है, इसे ऑन कर देता हूँ, मैं आपको चार्ज करके दिखाता हूँ कि ये चार्ज ले रहा है या नहीं ले रहा है। एंड आप देख सकते हो अभी रेड कलर का इस पर लाइट ग्लो कर रहा है, यानी कि ये चार्ज ले रहा है। एंड इस तरीके से आप इसे चार्ज करते हुए भी यूज कर सकते हो। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा ना तो इसका रेड लाइट जलना बंद हो जाएगा, तो समझ जाना कि ये फुल चार्ज हो गया है। तो चलो मैं आपको इसमें पानी डाल के दिखाता हूँ और ये स्प्रे करता है या नहीं करता है। थोड़ा बहुत तो चार्ज मुझे लग रहा है कि है, बाकी मैं आपको इसका बैटरी बैकअप भी आगे बता दूंगा कि कितना देर चलता है। तो इसमें चलो पानी डाल लेते हैं, इस तरीके से आपको कुछ भर लेना है इसको। एंड इसके बाद आपको मशीन को उल्टा करके इसके ऊपर इस तरीके से आपको ट्विस्ट कर देना है, ग्रूव जो है उसमें बैठा देना है एंड लॉक कर देना है। एंड उसके बाद आप देख सकते हो इसे पानी चूता नहीं है क्योंकि इसके अंदर वॉशर दिया गया है, मैं कितना भी शेक करूंगा ना एक भी बूंद पानी नहीं चू रहा है इससे। आप देख सकते हो काफ़ी अमेजिंग सा लग रहा है, देखो बहुत ही छोटे साइज़ का है, बहुत ही छोटे साइज़ का है, मेरे हाथ में पूरा इस तरीके से छुप जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे ऑन करोगे ना, तो जब ये वर्क करेगा तो यहाँ ब्लू कलर का एक लाइट जलता है इसके अंदर। चलो ऑन करते हैं, तो देख सकते हो अब ये स्प्रे कर रहा है और देखो गाइस कितना ज़्यादा स्प्रे कर रहा है यार। एंड यहाँ कुछ बबल टाइप से उठ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, अभी आपको क्लोजली स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे बीच में देखो आप बीच वाले पार्ट में किस तरीके से बबल टाइप से उठ रहा है। एंड ब्लू कलर का लाइट ज्यादा है क्योंकि ये एक्टिव है, बहुत ही अच्छा स्प्रे कर रहा है, बहुत ही हल्का स्प्रे कर रहा है मिस्ट। इसे आप इस तरीके से अपने फेस पे ले सकते हो एंड बहुत ही ठंडा सा फील हो रहा है, बहुत ज्यादा अमेजिंग यार, इतना कूल गैजेट है। इसी तरीके से ना आप इसमें गुलाब जल डाल सकते हो या फिर नॉर्मल वाटर डाल के, अगर आपको फेस को मॉइस्चराइज करना है तो इस तरीके से आप इसे पकड़ करके मॉइस्चराइज कर सकते हो। मजा आ रहा है यार, तो देख सकते हो कितना अमेजिंग तरीके से यहाँ पे ये क्रिएट कर रहा है मिस्ट। एंड अभी मेरे रूम का फैन चल रहा है इसलिए ये थोड़ा बहुत हिल रहा है, वरना पूरा सीधे मार रहा है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक, ऑलमोस्ट इतना लंबा, बहुत ही हल्का सा स्प्रे। आप देखो क्लोजली
जैसे कि आप मान लो बाहर से आ रहे हो तो आपको कोई चीज़ सैनिटाइज करना है, आपने कुछ फ्रूट्स लिए हैं या फिर आपने कुछ प्रोडक्ट लिया है या फिर आप अपने हाथों को सैनिटाइज करना चाहते हो, अपने क्लोथ्स के ऊपर से सैनिटाइज करना चाहते हो, आप हाथ में तो रब कर लोगे चलो ठीक है सैनिटाइजर जेल को या फिर लिक्विड को, बट आप कपड़ों को कैसे सैनिटाइज करोगे? मान लो आप कहीं पर टच हो गया गलती से, आपको लगता है कि पता नहीं इन्फेक्शियस होगा, सैनिटाइज कर लेते हैं। इस तरीके के प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो, इसमें सैनिटाइजर डालो, इस तरीके से आप उस पार्ट को सैनिटाइज कर सकते हो। देखो बहुत ही हल्का स्प्रे है। एक चीज़ है, जब तक स्ट्रेट रखोगे तभी ये स्प्रे क्रिएट करेगा, जैसे उल्टा कर दोगे ना तो ये बंद कर जाएगा स्प्रे करना, क्योंकि पानी नीचे चला गया, फिर उल्टा करोगे फिर एक्टिव हो जाएगा। कितना फास्ट है देखो, आप बंद हो गया तुरंत एक्टिव हो गया। और कितना देर इसका चलता है बैटरी बैकअप फुल चार्ज पे, ये कितना देर तक चलता है एंड इसका पानी पूरा कंटेनर को खाली करने में कितना टाइम लगता है? तो गाइस कंक्लूजन ये है ना कि बहुत सही सा लगा मुझे ये प्रोडक्ट। पानी आप इसमें डाल करके इस तरीके से आप स्प्रे करके यूज़ कर सकते हो मॉइस्चराइज करना हो अपने स्किन को, तो या फिर आप इसे एज अ सैनिटाइजर स्प्रेयर यूज़ कर सकते हो या फिर परफ्यूम स्प्रेयर। परफ्यूम डाल दिया हल्का और थोड़ा पानी मिक्स कर दिया एंड मैंने इसे चला के छोड़ दिया था, पूरा रूम बहुत ही अच्छे तरीके से स्मेल कर रहा था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर देना। अगर परचेस करना चाहते हो ये अमेजिंग प्रोडक्ट तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। एंड वन स्टॉप बटन है, एक बार बंद करोगे बंद हो जाएगा, फिर दबाओगे ऑन हो जाएगा बहुत ही क्विकली। इसको हीट होने में टाइम नहीं लगता है, बस ऑन करो एंड ये एक्टिव। कमेंट करके बताना आपके वीडियो ये प्रोडक्ट कैसा लगा, शेयर करना इस वीडियो को, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं जल्दी, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।